जब तक मेरी मानो का निकाह नहीं हो जाता मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना तो अभी इसी वक्त आओगे तुम। लगता है इस मोहब्बत वाली बात को ना सारी जिंदगी एक्सप्लॉइट करना है तुमने। I swear, मुझे सबने सरप्राइज दिया है, मुझे नहीं पता था सबका। हाँ मुझे भी काफी बड़ा सरप्राइज दिया है तुमने। लीला की तरह तुम में हिम्मत नहीं है फैसलों का पुल से रात अबूल करने की। कैसा पुल से रात? वो पुल जिसके एक किनारे पे असफी है, उसके किनारे पे तुम्हारे माँ बाप। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? एसिडिटी हो गई शायद ज्यादा मेडिसिन खाने से। डॉक्टर को कॉल करूं? अरे नहीं भाई हो जाएगा ठीक, अभी वॉक ही कर रहा था। क्यों जिद कर रहे हैं बाबा, करवा लेना अपनी एंजियोप्लास्टी। करवा लूंगा भाई करवा लूंगा, तुम्हें तो अपना वादा याद है। कौन सा वादा? यही कि तुम निदा की तरह हमें हर्ट नहीं करोगी। अब आपको अभी ये बात क्यों याद आ गई? मुझे लगा शायद तुम भूल गई हो। मैं कैसे भूल सकती हूँ? फिर बेटा मान लो हमारी बात, हमारी सारी उम्मीदों का मरकज अब सिर्फ तुम्हारी जात। कौन सी बात बाबा? सजाद के बेटे के साथ रिश्ते की बात। इकलौता बेटा है, डॉक्टर बनने वाला है, फिर मुझे और तुम्हारी माँ को भी बहुत पसंद है। लेकिन बाबा मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता है अभी। हाँ तो उन्हें कौन सी चल रही है? इस जुम्मे को निकाह कर लेते हैं और फिर रुखसती हम लड़के की हाउस जॉब पे कर लेंगे। बेटा मान लो हमारी बात, हमारी सारी उम्मीदों का मरकज अब सिर्फ तुम्हारी साथ। ना तो आएगी ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जा। अबे बकवास बंद कर यार। शुक्र कर कल तू बाल बाल बच गया है अपनी ना होने वाली सासू माँ के हाथों। बेटा सासू माँ तो मैं बना के ही छोड़ूंगा, वैसे कल रात उनका बस चलता ना तो केक की बजाय मेरा गला ही काट देती। बाल बाल बचाऊ मैं। वैसे तो लिख के रख ले मेरे से, बड़ी धुआंधार एंट्री मारनी है तेरी लव स्टोरी में। फिलहाल तो तेरी होने वाली जोजा एंट्री मारी है, वो भी आंधी और तूफान की तरह। हंस कर आइए। तुम दोनों यहाँ खड़े हो, प्रोफेसर हमारे क्लास में जा रहे हैं। हमारा हीरो वेट कर रहा है महानूर शुजा का। उसका तो टेक्स्ट आया, वो तो नहीं आ रही आज। हैं? क्यों? She is not feeling well. क्यों क्या हुआ उसे? बताया तो she is not feeling well. अब तू किधर जा रहा है? अब घर। क्यों? वो I am not feeling well. इन दोनों को क्या हो गया? बुखार। बुखार? मोहब्बत का, इश्क का, प्यार का। अच्छा तुम तो क्लास में चलो। यार मेरा भी टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन चल रहा है। गौहर क्लास में चलो। हाय अल्लाह, पता नहीं कौन है जो इतने इतने फोन किए चला जा रहा है, पागल है कोई? 56 मिस कॉल्स हैं। किसकी आ गई बेलने में माँ? बबली की। छोड़ बबली शबली को, मानो मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही है। बैठे बिठाए तूने बुखार चढ़ा लिया, उधर तेरा प्यो बीमार है, अब मैं उसको देखूं या तुझे देखूं? हे अल्लाह, मुझे तो अभी पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हो गया? हाँ भी अम्मा तबीयत तो खराब होनी थी ना, जब पराई जान जमे वेले लूटेगी वो भी इतना गज बज के। तन्नो अब छोड़ भी दो, रात से एक ही बात के पीछे पड़ी हुई हूँ, मिट्टी नहीं डाल सकती इस पे? डाल दी मैंने मट्टी रात वाली बात पे भी अम्मा, पर सवेरे वाली बात सुन ले आप। शाम को सजाद भाई आ रहे हैं मानो का रिश्ता लेकर, इसलिए ये जो आंढ गवांढ है ना इनकी आमदो रफ पे जरा कंट्रोल रख लिएगा, ऐन नवाजिश होगी आपकी। ये सजाद वही है ना जो शजी का बचपन का दोस्त था, सऊदीया नहीं चला गया था ये चंद साल पहले? हाँ हाँ भी अम्मा बिल्कुल वही है, अपने डॉक्टर बेटे का रिश्ता लेकर आ रहा है। मैं तो कहती हूँ मानो की लॉटरी निकल आई है।
अच्छा, जैसे वो तो बिल गेट का बेटा है ना। चाहे फज्जे के साई की औलाद हो, सज्जी साहब को पसंद है और मुझे भी पसंद है तो बात होगी खत्म। भी अम्मा प्लीज मेरा सर दबा दें। हाँ क्यों नहीं, देखो तो सही कैसा पीला फटक रंग हो गया, जरा सी तबीयत खराब होती है तो ऐसी शक्ल निकल आती है। अरे अभी तो गए थे यूनिवर्सिटी, आप भी गए? मुझे छोड़े, आप कहाँ जा रहे हैं? ये बीएमए के प्लॉट के फाइल्स हैं, उनसे साइन करवाने जा रहा हूँ। खैरियत? नहीं, इधर दे मुझे। अरे ये क्या है? बहाना आशियाना नूर के अंदर घुसने का। इसफी बाज आ जा तू। मानो की तबीयत ठीक नहीं है भाई, उसे मिलना है मुझे। ताई अम्मी अंदर हंटर लेकर खड़ी होंगी, पता है तुम्हें? लानो तो ऐसी मोहब्बत पर जो एक हंटर से डर जाए। अगर टांगे बच जाए ना तो खैर खैरियत से वापस आ जाने। ये पकड़े। Hands up. जान लेंगे क्या? याओ, याओ. जी. या नई डोज लेने आयो तन्नो से क्या? अब तो ओवरडोज हो गया अब्बा मियाँ, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने आया हूँ बीएमआर से। अरे क्या सोच के इस आग के दरिया में छलांग लगाई थी इस मॉडर्न रोमियो ने, पता नहीं? यही कि मैं इख्तियारुद्दीन का पोता हूँ जो तबस्सुम जहां के लिए डट गए थे पूरे खानदान के सामने। एक बार गालियां भी खाई थी इख्तियारुद्दीन ने तबस्सुम जहां की वालदा से। आपने तो एक बार खाई थी ना अब्बा मियां, मेरा तो सुबह शाम का ही रिकॉर्ड लग रहा है। अब्बा मियां तू यहां पे क्या करने आया हुआ है? पक्के में आम की तरह टपक पड़ता हमारे घर में, बड़ी कोई ढी टड्डी है तू है? किसने गुटी दी थी तुझको? आपने। अब्बा मियाँ आप ही अपनी वकीयों वाले हाथ से जो है ना जरा रोकें, और मुझे शाम के लिए बहुत ढेर सारा सामान मंगवाना है, वो जरा ला दें मुझको है। मानो के ससुराल वाले आ रहे हैं। मानो के ससुराल वाले? ये बैठे बिठाए ससुराली कहाँ से आ गए? अब्बा मियाँ बताती हूँ ना मैं आपको, तू मुझे बता तू यहाँ पे क्या लेने के लिए आया? वो इन पेपर्स पे साइन कराना था बीएमआर से। अच्छा, आप कौन से पनामा पेपर आउट हो गए? नहीं वो शायद अपना प्लॉट सेल कर रही हैं। अच्छा, तीर की तरह जा उड़ता हुआ और गोली की तरह उड़ता हुआ बाहर आ, वहां चिपक ना जाना किसी को। जी। ना अब्बा आप मुझे ये बताएं, ये बी अम्मा को शजी साहब की तरह क्या आदत पड़ गई अपनी प्रॉपर्टी बेचने की? अब तुमको नया बयान जारी मत कर देना इसी बात पे। ना मुझे क्या पड़े, बेचती रहे प्रॉपर्टी। पता नहीं किसने इतनी बुरी नजर लगाई है तुम्हें। मुझे किसकी नजर लगेगी? सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आए? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं फराज भाई ने, अब साइन करते हैं। अच्छा वो प्लॉट के हैं ना? जी। पेन? हाँ पेन वो तो मैं नहीं लाया। अच्छा साइन करना है, पेन नहीं लाए हो तुम? मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही ले आती। तबीयत कैसे खराब हुई तुम्हारी? पता नहीं। कौन लोग आ रहे हैं तुम्हारे प्रपोजल के लिए? पता नहीं। मुझे भी नहीं पता, तुम मना कर दो ने, तुम सामने नहीं जाओगी इन लोगों के। प्लीज आहिस्ता बोलो, सभी कोई आ जाएगा। पहाड़ में जाए सारी दुनिया, कोई और कैसे आ सकता है तुम्हें देखने के लिए? असवी प्लीज काम डाउन, मेरे लिए इश्यूज मत क्रिएट करो। अच्छा ठीक है, तुम अपना फोन ऑन करो और बात करो मुझसे। अभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझे सूली पर लटका कर रखोगी क्या? मानूर तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है मेरा। पेन तो मुझे मिल गया, बताओ साइन कहाँ करना है? जी यहाँ पर। ये तुम कहाँ जा रही हो? वो पेन किलर लेने, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा साइन कहाँ करना है? नहीं वहाँ क्या देखे जा रहे हो, मुझे बताओ साइन कहाँ करना है? सॉरी यहाँ और यहाँ। सुने तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
नहीं, मैं मानूर का पूछ रहा था। अब वो नहीं, बस जरा सा दर्द है सर में, ठीक हो जाएगा। ओहो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है माँ जी की क्या स्टोरी है, हैं? प्लॉट पे प्लॉट, फाइल पे फाइल, ये क्यों फाइल लगाए जा रही हैं? जाकर पूछ लो ना। और मुझे बता देंगी वो, उनका सरकारी वकील यहाँ बैठा है, बताओ ना क्यों प्लॉट पे प्लॉट बेचे जा रही हैं? शायद ताया को पैसे देने होंगे। पायन शुजा का टेढ़ तो ऐसा है जैसे दोजक की आग, खत्म ही नहीं होता। अम्मा की चीज है, चाहे वो काले चोर को दे, तुम्हें क्या, तुम्हारे मरोड़ क्यों उठ रहे? और जाओ जाके उन्हें मना के लाओ, सारा घर वीरान हो गया उनके बाहर। हाँ, मना के ले आएंगे, पहले सारे पैसे तो मांड ले वो वहाँ। ठीक कह रहे हैं मुन्ने चाचा, भी अम्मा के बगैर वाकई ये घर काटने को दौड़ रहा है। ये किसको काटने को दौड़ रहा है? मैं देख के आती हूँ। ताई ने कुछ ना कुछ कहा होगा, वहां गया था फाइल साइन करवाने के लिए। तुम्हारी ताई अम्मी की जबान के साथ तो रशियन डॉगी बंधा हुआ है, वो ही उसको लेकर जा रहा होता है हर जगह। सचमुच में नहीं मुनीर जी, वैसे ही कह रही हूँ, किलर लुक की क्या जरूरत है? I swear, अस्वी, मुझे रात को ही बाबा ने बताया है। इसीलिए तुमने मेरी 36 फोन कॉल्स अटेंड नहीं की? नहीं, वो मेरा फोन साइलेंट पे था और मैं रात में सो गई थी। मुझसे झूठ मत बोलो मानुषजा, साफ साफ कहो कि अवॉइड कर रही हो तुम मुझे, इसलिए आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। हाँ, मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। करना क्या है, जाकर मना करो ताई अम्मी को रिश्ते से। असली मैं नहीं मना कर सकती, तुम प्लीज ये सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। क्यों मना नहीं कर सकती, ये कि रात में फीलिंग्स बदल गई तुम्हारी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कसम खा रही हूँ, मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन। लेकिन क्या? मेरी बात को समझो मानूर, अब स्टैंड लेना होगा हम दोनों को एक दूसरे के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, बताना होगा सबको कि नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। मानो, क्या कर रही है तू ये? चल अंदर, चल अंदर, चल। अम्मी, मैं मर गई। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, वो जो सारी जिंदगी नफरतें फैलाती आई है, उसने अपनी नकली मोहब्बत के जाल में फंसा लिया ना तुम्हें। उसने मुझे नहीं फंसाया, वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है, मुझसे ज्यादा बेहतर उसे कोई नहीं जानता, पूरी दुनिया में तमाशा बना देगी तुम्हारा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। असफी, ये मोहब्बत की चक्की मेरे सामने पीसने की जरूरत नहीं है, उस मोनो का मैं कचूमर बना के आती हूँ और फिर आके तुमसे निपटती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं इसे कहीं ज्यादा करूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें वरगलाने की? भाभी, तुम्हें क्या हुआ? चच्ची नई फिल्म का ट्रेलर भी अम्मा नहीं, आपका बेटा अस्वी रिलीज करने जा रहा है, और फिल्म का नाम जानती हैं आप? मैंने प्यार किया। मेरा घर किसके साथ? उसी ने जिसने सारी जिंदगी अम्मी और बाबा के दिलों में मौजूद बदगुमानियों को हवा दी है, जिसने यहाँ के बदतमीजियां और हंगामे किए, उसी से प्यार हुआ है आपके बेटे को। किसकी बात करके गई है? उस फिटकरी के मुंह वाली मानूर शुजा की। मैं कितनी लूजर माँ हूँ, मुझे कोई साइन क्यों नहीं दिखा? भाभी, मुनीर जी, जुत्ती तुसी लाओगे या मैं? एक साथ ही उतारेंगे, मगर पूछने तो दो, ये निदा कहाँ गई है? चचा के घर। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? भाई, आप जाकर मना करें ना प्लीज। तेरा कख ना रहे मोनो, हैं? एक कौन सी बेशर्मी और बेगरती वाली टोटकी बजा रही है, वो भी तो हमारी नाकों के नीचे। अम्मी, वो मैं क्या? मैंने ना तेरी हड्डियों का सुरमा बना के उस लंबू की आंखों में डाल देना, साथ में मैंने मिर्चे भी मिक्स कर देनी है। बहुत खूब अम्मी, बहुत खूब, बड़ी अच्छी तरबियत की आपने अपनी इस लाडली की। मुझे तो आपने सारी जिंदगी नाफरमानी के ताने दिए और आपकी इस लाडली ने आपके दुश्मनों में जाके सेटिंग कर ली। तो मेरे साथ जरा ना आराम से बात कर, जबान संभाल के, मैंने तेरी गुथी पर चपेड़ लगा देनी है। ये सारी तेरी वो दीदी तेरे देवर दबाने की कारस्तानी है, पता नहीं कौन सा तवीर डाल दिया, मेरी मासूम बच्ची का दिमाग पलट गया। नहीं अम्मी, ये उसकी नहीं, आपकी इस लाडली की कारस्तानी है। और तुम किसी भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारी और अस्वी की शादी होने दूंगी। रहने दे तू, हम टूटते भी नहीं तेरे देवर पे और तेरे ससुराल पे। आई वड्डी ससुराल की सगी,
पहले आप अपनी इस चहेती से पूछें अम्मी, जो मेरे देवर की राहों में पलके झुकाए बैठी हुई है। तुझे मैं कह रही हूँ निधा, तू निकल यहाँ से। मैंने चपेड़े मार मार के ना तेरी बूथी चबी कर देनी है। वड़ी आई ससुराल की सगी, चल। उससे पहले अम्मी आप अपनी इस लाडली की मोहब्बत के डेंट निकाले। और तुम, अगर तुमने असवी से राबता करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानो तुझसे बुरा कोई है भी नहीं पुत्र। हाँ, तू ऐसे करके वो जो तेरा बांदर है ना चट्टा, उसको जरा बांध के रखना किले के साथ। मैंने कुंडी में डाल के ना उसकी चटनी बना देनी धनिया पुदीने के साथ। चल निकल। और तू मानो, तुझे मैं ठीक कराती हूँ, मैं तेरे प्यो को बताती हूँ। दूर 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 फिटे मुँह तेरा हसफू। अब समझ आई कुक्कू और बिट्टू के टांगा फिट क्यों करवा रहे थे तुम दोनों? मना किया था कि किसी और डिपार्टमेंट में दाखला ले लो। अगर किसी और डिपार्टमेंट में होता तो डेंजर जोन से सेफ होता और शरीकों की कुड़ी नाल चक्कर ना चलाता। तू देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। ऐसी सुना के आई हूँ ना कि सारी जिंदगी याद करेगी। ये तुमने बहुत गलत किया निधा। चुप कर जा फराज। अभी कम से कम आपसे ही उम्मीद थी। यूं बीच चौराहे में आके ढंडोरा पीटेंगी आप। मेरी गल सुन, तू शुक्र कर कि मैंने तेरा वो हाल नहीं किया जो बुलडोजर रोड का करता है। मेरी निधा ने जो भी किया 100/100 सही किया है। मुनीर जी, उतारो जुत्ती और स्टार्ट हो जाओ। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें दुनिया में एक ही लड़की मिली थी, इसके बाप ने मेरे साथ ज्यादती की है। बाबा, ये सारे गिले शिकवे तो आप दोनों के बीच में है ना, इसकी सजा हम क्यों भुगतें? ये खानदानी दुश्मनी आप लोगों ने कब्रों तक लेकर जानी है। मुन्ने को तुमने भी मुन्ना ही समझ लिया है। बताओ, कब से चल रहा है मोहब्बत का खेल? खेल तो लगता था कि अभी के अभी शुरू हुआ है, लेकिन पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया आपकी कुड़ी ने। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों गरीब मुल्ला जी, आपको शक है तन्नो की स्मातों पे? नहीं। तो फिर मान ले शजी साहब, खेल डाल दिया आपकी कुड़ी ने हमारे सरों में। बड़ा जोम था ना आपको अपनी बच्ची कुची औलाद पे, इसी गुरूर की सजा मिली है आपको। तन्नो, तहमुल से बात करो। ना क्या तहमुल से अब्बा मियां, बिट्टो कुकू की दफा भी आपने ऐसे ही कहा था और वो मुश्तंडा आपकी शह पे इस घर में आता था। मैं तो वादा किया था मुझसे, वादा किया था कि कभी मेरा सर नहीं झुकने दोगी, सब भूल गई। मेरी पीठ में चुरा घोप दिया ना उस निदा की तरह। बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मानो अगर तुम्हारी माँ जो बोल रही है सच है ना, तो सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। ऐसा क्या कर दिया बच्ची ने कि तुम तो उसके पीछे पड़ गए हो? तूने ऐसी धूल चटाई है कि जिंदगी भर थू थू करते रहे ना तब भी अंदर का जहर नहीं निकलेगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती। जिम, पीएम और अब्बा मियां के साथ हुई जाती से पेट नहीं भरा आपका? तुम अपनी अम्मी से किस तरह से बात कर रहे हो? चची, आप इसके बदले में तेवर देख रही हैं? आज साबित कर दिया मेरा पुत्र ही ने। बस कर दे, माफ कर दे, मुझे बख्श दे प्लीज। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ना मैंने मानूर के साथ मोहब्बत करके। बाहर में जाए मेरी और उसकी खुशी, क्योंकि इस खानदान में तो सिर्फ नफरतें ही पल सकती हैं, है ना? बहुत अच्छा सबक सिखाया आप सबने मुझे। मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ये तरबियत की है सलीका तुमने इसकी? सिर्फ मैंने नहीं की, मुझसे बड़े थे तरबियत करने वाले। लेकिन आप फिक्र ना करें मुनीर जी, सबक तो मैं इसे सिखाऊंगी। अम्मी, आप तो तहमुल से बात कर लिया करें। अरे खाक तहमुल से बात करें, हमारे नाक के नीचे डोर फंसाई हुई थी इसने और हमें पता ही नहीं चला। कितने बड़े बड़े दावे किए थे तुमने, क्या आखिरी लड़का भी होगा तो इसको मुड़कर नहीं देखूंगी? अब क्या आंखों में मोतिया उतर आया तुम्हारी? शजी, कुछ तो हौसले से काम लो बेटा। क्या हौसले से काम लूं अम्मा, औलाद के नाम पर दो बेटियां थी, एक ने घाव दिया, दूसरी ने तो काम भी तमाम कर दिया। बाबा मत बोलना मुझे बाबा, अगर तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए जरा सी भी इज्जत है ना, तो अभी कभी सारा सिलसिला खत्म करो और वादा करो मुझसे कि दोबारा मुड़कर नहीं देखोगी उसे। और याद रखना मानो, हमारा दिल दुखा के कहीं पे बसेगी ना तू, तो खुश तो तू भी नहीं रहेगी। तौबा, डायलॉग बाजी तो खत्म ही नहीं होती दोनों मियां बीवी की। माइंड ना करना अब्बा मियां, आपने चोरी चोरी बजाई थी ना बिट्टो की निकाह वाली ढोलकी, अब ये हमारी औलाद है, इसका फैसला हमें ही करने दें। हाँ चलो कर लो तुम भी फैसला, पहले कभी कोई अच्छा फैसला किया है जो अब कर लोगी? हाँ मखा, जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो जाओ बेटा, जाओ तुम अंदर जाओ कमरे में अपने।
यार जल्दी कॉल मिलाना नूर को, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही वो। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। लगता है मानूर का सारा नेटवर्क उड़ा दिया तेरी ना होने वाली सास ने। फोन बंद आ रहा है। सास को छोड़, मेरे तो अपने घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। तुझे पता है खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूं मैं आज। बेटा तैयार हो जा, असल बैंड ना तेरा निदा भाभी बजाएंगी। बड़े दावे करता था ना अंडरस्टैंडिंग के उनके साथ। यार पहले आग कम लगी हुई है जो तू भी तीलियां लगा रहा है। अच्छा चल छोड़, ये बता मसला क्या निदा भाभी को इस रिश्ते से? चेड़ है उन्हें अपनी सगी बहन से। उन्हें लगता है नूर ने अपने माँ बाप का दिल नहीं साफ किया उनकी तरफ से। खैर ये सफाई तो कोई भी नहीं कर सकता। चल उठ निकलते हैं, लेट हो गए यार काफी। चल तू जा, मैंने नहीं जाना घर। यार खुदा ना खास्ता अगर तेरा खुदकुशी का कोई प्लान है ना तो मुझे पहले ही बता दे, या कम से कम उसको एक हफ्ता डिले कर दे। एंगेजमेंट है मेरी और बबली की यार। बहुत ही कोई अव्वल दर्जे का बेगैरत और बेशर्म इंसान है तू। अभी मेरे दिल पे क्या गुजर रही है और तुझे अपनी एंगेजमेंट की पड़ी हुई है? क्या बम्बास्टिक स्टोरी है तुम दोनों की ये। इस स्टोरी में तो कोई ट्विस्ट ही नहीं आया यार। अम्मी से बात की और वो फौरन मान गई। पता नहीं कहाँ होते हैं ऐसे पेरेंट्स। चल दिल छोटा मत कर, मुझे मैं ना कुछ खिलाता हूँ, तेरा मूड सेट करता हूँ। चल उठ। मानो मानो क्या रोने डाले हुए यहाँ पे हैं? क्यों बोथी पसूरी हुई है? मैं कितनी देर से खाने पे इंतजार कर रही हूँ तेरा। मानो तेरी ना बचपन की आदत है ये रोने डालने की। तुझे अगर लग रहा है ना कि तेरी मासूम बूथी देख के मुझे तुझ पे तरस आ जाएगा तो तेरी गलत फहमी है। मैंने ना जूतियाँ मोर मोर के ना इशक का भूत तेरे सर से उतार देना है। अच्छा रो रो ले चंगी तरह, चार पांच घंटे लगा के ना सेशन लगा रोने का, सारी जिंदगी रोने से बेहतर है। मैंने लॉन में ना पौसी का तख्त लगा दिया है, फाय लगा दूंगी मैं तुझे। आई वटी बड़ी है सीनियर हवालदारनी। दादू लव्स यू चुटकी, मुझे वादा कर बड़ी होकर तू इस तरह की कोई काम नहीं करेगी हैं जिससे तेरे माँ बाप को दुख हो। इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ, यकीन नहीं आ रहा मेरे पुत्र ने किया क्या है। मैं बस मुनीर जी को कहकर ना मैं तो लाहौर जा रही हूँ। हाँ लाहौर में क्या होता है दादू? तेरे चाचे का सिर होता है, चूहा कहीं का। चूहा तो बिल में होता है। अच्छा तू जा, होमवर्क होगा, जा माँ ढूंढ रही होगी तुझे। चल शाबाश। अपनी औलाद का गुस्सा बेचारी बच्ची पे क्यों निकाल रही हो? कितनी गलत बयानी कर रहे हैं आप। मैंने क्या किया है? कोई गिच्ची मड़ो रही है उसकी, उसको काय के जाके होमवर्क करे। आपको कहती थी ना मैं मुनीर जी हैं कि जो माँ जी हैं कोई नई फिल्म रिलीज करने वाली हैं, आपने बस मेरा यकीन ही नहीं किया। माँ को पता होता है छठी हिस। किसी की फिरकी घुमाने से कुछ नहीं होगा, अभी मैं जिंदा हूँ और सबको पता है कि मुन्ने को मुन्ना नहीं समझना कभी भी। हाँ कुछ कर लें फिर, वरना फिर मेरे लाहौर का टिकट करवाए वन वे। हेलो नूर, नूर तुम रो रही हो क्या? क्या हुआ? मेरी जान कुछ तो बताओ, क्या कहा निदा भाभी ने तुम्हारे घर आकर? आई एम सॉरी, उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी। ये सब बातें छोड़ो स्पीक, प्लीज मेरी एक बात गौर से सुनो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। और सुनो, तुमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर निकाल लेंगे। इसका एक ही सलूशन है एसपी। क्या? कि हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लें।
हमारे रास्ते अलग नहीं हो सकते क्योंकि हमारी मंजिल एक है। सॉरी असवी, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। तो तुम मैदान छोड़कर भाग रही हो? हाँ हाँ, क्योंकि मेरी मोहब्बत हम दोनों के घर वालों की नफरत का मुकाबला नहीं कर सकती। Lord, for God's sake, trust me. मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम यकीन तो रखो मेरी मोहब्बत पर। नहीं असली, तुम्हारी मोहब्बत के आगे मेरे बाप के भरोसे की दीवार है, इसे चाहकर भी मैं नहीं तोड़ सकती। खुदा की कसम मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा, मैं सबको मना लूंगा। तुम मेरा साथ देने का वादा तो करो। नहीं, जब अपने बाप से क्या हुआ वादा नहीं सुने। सॉरी। कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर दूर? मुझसे अलग होने से पहले तुमने एक बार नहीं सोचा? मोहब्बत तो हम दोनों ने की थी ना, तो अलग होने का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? झूठ। हेलो, हेलो नून, मेरी लड़ाके बिल्ले ने। खुदा के लिए अम्मी, बस कर दे उल्टे सीधे नाम रखना, हद होती है हर बात की। क्या हो गया फराज, आपको चची से कैसे बात कर रहे हैं? और जो तुमने सुबह आजस्वी के साथ किया है, तुम्हें जेब देता था वो? जेब गई भाड़ में, क्या गलत कहा है या किया है निदा ने? क्या ठीक किया इसने, क्या जरूरत थी ताया के घर जाके हंगामा खड़ा करने की? क्या फर्क रह गया इसमें और मानो में? आप मुझे मानो के साथ मिला रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें और मानो को मिला रहा हूँ। तुम्हें प्रॉपर्टी के मसले में चाचा ठीक लगे, तुमने उनका साथ दिया। मानो को उनके बाबा ठीक लगे, वो वहाँ रही, सब बराबर। हाँ तो बाबा गलत थे, इसीलिए तो मैंने चाचा का साथ दिया था। उसका बदला तो ले लिया ना तुमने। आज ये भी ख्याल नहीं किया कि तुम्हारे बाबा बीमार है, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? सुन ली चाची आपने इनकी बातें? आज सारे फन्ने खान बने हुए, इसका कसूर नहीं है कि गुर्ती तन्नो ने दिए, इसलिए लड़ाका हुआ हुआ है। इन दोनों की मैंने डेंटिंग पेंटिंग करनी है, हमदर्दी का बुखार आया वैसे। चिक 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 चिक। कहाँ रह गए थे तुम? परेशान करके रख दिए तुम्हें। चलो अंदर आओ। तुम रो रहे हो? अश्वी, पागल रो रहे क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। अच्छा रोना बंद कर। असफी,
रश्मि को। फराज, तन्नू आप ही का वैसे दिमाग खराब, आप शजीब भाई को समझाएं। अरे क्या खाक समझाऊं, एक मलका जज्बात है तो दूसरा शहनशाह जज्बात। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है अम्मा, तन्नो भाभी का तो गरूर टूटा, बड़ी तन के चलती थी। शर्म कर, गुनाह मिलता है इस तरह किसी की परेशानी पर हंसने का, और डबल गुनाह मिलता है किसी के जज्बात से खेलने से। पता नहीं तन्नो भाभी खुद साख्ता नफरतें खत्म क्यों नहीं कर देती, और अस्वी में क्या बुराई है, अब्बा मियाँ क्यों नहीं समझा रहे उन्हें। पता नहीं, वो तो आजकल बहुत ही स्लो मोशन चल रहे हैं, पता नहीं दिमाग में क्या पक रहा है। अब आप लोग ना ऑपरेशन 007 शुरू कर दें और अस्वी और मानो को निकाह कर देना जैसे हमारा किया था। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम दोनों का तो दिमाग चल गया शादी के बाद। बंद करो फोन, खुदा हाफिज। की बेटी को यूं हथियार डालना सेफ नहीं देता। जहां मेरे बाबा का नाम आ जाए वहां मेरा कोई हथियार नहीं चल सकता। वादा क्यों किया था फिर अस्वी से? कोई बिजनेस डील थोड़ी कर रही थी मैं अब्बा मियां, के सोच समझ कर करती। रह लूंगी उसके बगैर, किसी एक के बगैर तो रहना पड़ेगा ना, और वो एक मेरे बाबा नहीं हो सकते। हमारे बाप ने सारी जिंदगी हर धर्मी की है, पहले छोटे भाई के साथ जिद की, उस चक्कर में माँ बाप को तन्हाई के जहन्नम में झोंक दिया। लेकिन अलग होने का फैसला तो आप दोनों का था। फायदा क्या हुआ, ना बड़े ने अपनी हर धर्मी छोड़ी, ना छोटे ने अपना दिल बड़ा किया। अब्बा मियां, मुझे सच सच बताइएगा, इस सारे प्रॉपर्टी वाले किस्से में कसूर किसका है? तुम्हारे बाप का। तसल्ली हो गई? कैसे? उसने जबरदस्ती गमलों में वाली दुकान, डिफेंस वाला प्लॉट, उस पर कब्जा कर लिया। अब तो छोटे भाई को उसका हिस्सा नहीं दिया और उस पर जिद ये है कि मुन्ना उसके सामने मुन्ना ही बना रहे। छोड़ो इस बात को, की बात करो। मैं क्या बात करूं, बच्चा ही क्या है बात करने को। अगर तुम चाहती हो तो मैं फैसला कर दूं तुम दोनों का भी। कैसा फैसला? तुम दोनों बाले हो, आकिल हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो, जैसे बिट्टू के लिए किया था। इस बारे में तो आप सोचिएगा भी मत अब्बा मियां, बिट्टू आपके साथ उनके बाप खड़े हुए थे। मैं अपने बाबा को इस तरह से डिग्रेड करने का सोच भी नहीं सकती। फिर क्या करूंगी? वही करूंगी जो बाबा चाहेंगे। दरवाजा खोलो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। अस्वी, मैं जानती हूँ वो नहीं खोलेगा दरवाजा। जब जानती थी तो फिर इस तरह क्यों किया उसके साथ? इस बारे में तो आप सोचिएगा भी मत अब्बा मियां, बिट्टू आपके साथ उनके बाप खड़े हुए थे। मैं अपने बाबा को इस तरह से डिग्रेड करने का सोच भी नहीं सकती।
बाबा अद्धी रात ही किसकी बेलने में बाहर आ गई है। बाबा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ना क्या बात करनी पे उसे है, अद्धी रात ही कौन सा चांद चढ़ा दिया तूने? बाबा प्लीज बाहर आ सकते हैं? चलो ना, मैं कौन सी सुतेली माँ हूँ उससे बात नहीं करनी। मैं भी जरा देख के आऊँ अधी राती कौन सी पोली पोली टोटकी बजाने आई है ये। अब कौन सा कीड़ा काट गया यार तुझे? छोड़ दिया उसने मुझे, उसने अपने पाप से किया हुआ वादा निभाना है।